हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं पबजी मोबाइल के लिए। ये पबजी मोबाइल के लिए नया मोबाइल लिया है मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए। मेरे पास मोबाइल है ऑलरेडी। ये उन लोगों के लिए है जो पबजी खेलना चाहते हैं पर इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते। कम पैसों में आप पबजी के लिए एक अच्छी चीज़ ले सकते हैं। तो ये है नया सैमसंग का A10, ठीक है। इसमें आप पबजी खेल सकते हैं जैसे नॉर्मली सारे बड़े मोबाइल्स में लोग खेलते हैं। 32 GB इसकी इंटरनल मेमोरी है, 4 GB रैम है, तो आप आराम से पबजी मोबाइल प्ले कर सकते हैं। और कीमत, ये आपको किसी भी रिटेलर अपने दोस्त की दुकान पर जाइए, उसको गोली दीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको ये सिर्फ़ और सिर्फ 8,000 रुपये में मिल जाएगा मार्केट में। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं आज। छुरी चाकू से दूर रहें, जहाँ तक हो सके बड़ों से करवाएंगे काम। तो ये 10 है, जैसा आप देख सकते हैं सैमसंग ने काफ़ी अच्छा फ़ोन दिया है इतने कम प्राइस में। बहुत बेटर फ़ोन दिया है सैमसंग ने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं A10 का यहाँ अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम लोग। तो अनबॉक्सिंग के लिए तैयार सैमसंग गैलेक्सी A10। मैंने इसके रिव्यू काफ़ी सारे देखे हैं वैसे यूट्यूब पे, किसी ने इसकी बुराई तो नहीं की है। अच्छा फ़ोन है, कम रेट में इसने कैमरा भी अच्छा दिया है। और जैसा कि आप ये पीछे देख सकते हो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और बाकी तो आप पढ़ लेना यार, ले खरीदने तो पबजी खेलने के लिए बजट नहीं है, पापा नहीं दिला रहे मोबाइल, तो ये मोबाइल परचेस कर लो। पापा को बोलो A10 दिला देंगे वो। 8,000 का है यार, यहाँ पे इसने रेट दे रखी है 9,600, बट ये आपको 8,000 में किसी भी जगह मिल जाएगा। तो इसको खोलने के बाद सबसे पहले हमें ये दिखता है एक एम्बुलप है। इस एम्बुलप में वही सारा मैनुअल, क्विक स्टार गाइड्स वगैरह, ये कौन पढ़ता है यार। वैसे मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कोई पढ़ता होगा, कभी भी किसी ने पढ़ा होगा इसमें क्या लिखा हुआ क्या नहीं है। तो इसको रखते हैं साइड में। इसके बाद में आपको नीचे दिखता है फ़ोन। ये फ़ोन है, काफ़ी अच्छा इसने फ़ोन दिया है। ये एक्चुअली में ये वीवो से कॉपी किया है इसने। इन्फिनिटी डिस्प्ले सबसे पहले वीवो कंपनी ही लेके आई थी और सैमसंग ने वहीं से कॉपी की है। तो इसमें आपको मिलता है यू डिस्प्ले। यू डिस्प्ले मतलब यहाँ पे कैमरा जो है वो यू डिस्प्ले के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। पीछे इसके है 16.5 मेगापिक्सल के कैमरा है इसका, एंड सिंगल कैमरा है, नॉट डबल। DSLR नहीं मिलेगा इस मोबाइल में आपको, DSLR फोटोज़ के लिए ना खरीदे। और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट इसने कैमरा दे रखा है आपको, ठीक है। फ़ोन वैसे बहुत सही दिया है। स्टार्ट करते हैं फ़ोन को। सैमसंग गैलेक्सी A10 का आपको एंड्रॉयड वर्जन मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात, इसने मेड इन इंडिया दिया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मेड इन इंडिया। इसमें यार अपन को बहुत प्राउड होना चाहिए कि मेड इन इंडिया दे रहा है। सैमसंग जैसी कंपनियाँ, बाहरी सारी कंपनियाँ मेड इन इंडिया दे रही है, जबकि मेड इन कोरिया और मेड इन जापान दिया करती थी। तो जब तक ये स्टार्ट होता है हम दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। इसके अंदर मिलता है आपको OTG केबल, जो कि हर मोबाइल में है। एक नॉर्मल चार्जर, ये फास्ट चार्जर को सपोर्ट नहीं करता है, बट इस मोबाइल की बैटरी 5600 mAh है, नहीं सॉरी 46 mAh, ठीक है। आप बहुत अच्छे गेम खेल पाएंगे और बहुत देर तक खेल पाएंगे। चार्जर इसमें नॉर्मल है, चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगेगा ज़रूर। उसके बाद में यहाँ नीचे कुछ दिया हुआ है, ये है सिम टूल। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, इस कंपनी ने इस फ़ोन में रिटेल प्राइस पे हेडफोन्स नहीं दिए हैं। ये एक मॉडल है जिसमें रिटेल प्राइस में हेडफोन नहीं मिलेगा आपको। ये है, आप जैसे भी देख लो इसको स्टार्ट कर दो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोन स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसको, ठीक है। सैमसंग ने बहुत अच्छा दिया है इस प्राइस में। यार मेरे हिसाब से इससे अच्छा फ़ोन देना नामुमकिन है, कोई दे नहीं सकता है, ठीक है। ये बेस्ट फ़ोन दिया है। इसका जो फीचर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। अभी इसमें ज़्यादा ऐप्स नहीं है क्योंकि बिल्कुल न्यू आपके सामने अनबॉक्सिंग किया मैंने। तो अब इसमें पबजी डाउनलोड कीजिए और खेलिए, मज़े कीजिए। इसमें कैमरा फीचर्स वगैरह भी बेस्ट हैं। कैमरा है इसमें। इसमें जो इसने प्रोसेसर दिया है वो बिल्कुल न्यू है। आपको जो दूसरे सैमसंग मोबाइल में जो इनवॉइस मिलता है, जो मेन्यू मिलता है, वो इसमें आपको नहीं मिलेगा। इसमें बिल्कुल न्यू जो भी चल रहा है मार्केट में, लेटेस्ट है, वो सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये इसका फ्रंट कैमरा भी है और ये इसका बैक कैमरा है, ठीक है। इसमें आपको फ़ोटोज़ के लिए कई सारे नए ऑप्शंस मिल जाएंगे और ब्लरिंग ऑप्शन भी मिल सकता है आपको इसमें।
लेटेस्ट अपडेट्स में।